हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? चलिए, एसएससी को लेकर बहुत अटकलें लगाई जा रही थी कि पोस्टपोन्ड होगा कि नहीं होगा। जी हाँ, कल एसएससी ने मोहर लगा दी है कि एग्ज़ाम प्री जो है वो हो गया है पोस्टपोन्ड। जी हाँ, कल एसएससी तरफ नोटिफिकेशन आ गई है। 8 मई और 22 मई को जो पेपर होना था वो अगस्त में चला गया है प्री का। इसका ये मतलब है कि मेन्स अब ऑनलाइन होगा और उसके बाद भी आपको एक रिटन टेस्ट देना होगा। जो जो मैंने बताया था पिछले अपने नोटिफिकेशन में वो सारा क्लियर हो गया है। जी हाँ, एग्ज़ाम प्री पोस्टपोन्ड होना था, मैंने बताया था, हो सकता है हो गया है। मेंस जो है टीयर टू जिसे हम कहते हैं वो ऑनलाइन होना था, हो गया है ऑनलाइन। मेंस अब ऑनलाइन ही होगा। मेंस अगर पोस्टपोन्ड हो रहा है तो 99.9% है कि मेंस जो होगा, टीयर टू जो होगा वो अब ऑनलाइन होगा। ये बात तो हो गई है क्लियर। और प्री जो था वो पोस्टपोन्ड हो गया है। एज यूजुअल वी आर थिंकिंग दैट दिस कैन बी हैपन, हो गया है। ठीक है, तो मोटा मोटा प्री हो गया है पोस्टपोन्ड, चला गया है अगस्त में। मेंस जो होगा वो अब ऑनलाइन होगा, टीयर टू जो होगा वो ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन के बाद भी एक पेपर आपको देना पड़ेगा। कैसे हुआ? ऐसे हुआ, नोटिफिकेशन 9.1, 9.2 में उन्होंने क्लियरली दे रखा है कि द कमीशन रिजर्व द राइट टू मेक चेंजेस। उन्होंने कर दिए हैं। जी हाँ, चेंजेस कर दिए हैं। उनके पास राइट्स, मैंने पहले बताया कि एसएससी के पास सारे राइट्स हैं, वो कुछ भी कर सकता है आपके साथ, वो नोटिफिकेशन में लिखता है। और इस राइट का इस्तेमाल करते हुए उसने चेंजेस किए हैं। जी हाँ, चीटिंग को रोकने के लिए किया गया है। मोटा मोटा साफ समझे, चीटिंग को रोकने के लिए इसे किया जा रहा है। तो प्री हो गया है पोस्टपोन, चला गया है अगस्त में। मेंस होगा अक्टूबर के लास्ट या नवंबर के फर्स्ट वीक में। उसके बाद भी आपको एक रिटन एग्जाम देना पड़ेगा। ये हो गया है शेड्यूल। ठीक है, और कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं आप तक जरूर लाऊंगा। इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।